सत्ता द्वारा सुप्रिया सुले के संदर्भ में की गई टिप्पणी पर बावन कुले ने कहा कि रांका को अपनी पार्टी चलानी है, वह अपना काम करे और महिलाओं का सम्मान प्रत्येक को करना चाहिए। ऐसा नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से संवाद साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कुले द्वारा कहा गया है। यह महाराष्ट्र की संस्कृति और प्रत्येक का कर्तव्य है। सरकार में शामिल मंत्री किसी पर टीका टिप्पणी न करे, सत्तार मामले में मुख्यमंत्री ध्यान देंगे, यह अपेक्षा है। पवार परिवार पर आरोप करने के लिए अनेक मुद्दे हैं, लेकिन सूले के संदर्भ में जो कहा गया वह कोई नहीं बोले, लेकिन रांका द्वारा जिस तरीके से जन आक्रोश किया जा रहा है वह भी उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के समय महिलाओं के अपमान के 50 प्रकरण बोले जा सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सुषमा अंधारे सुपारी लिए जैसा बोलती हैं, उनकी DCM फडणवीस से कोई बराबरी हो सकती है क्या? नहीं, अब्दुल सत्तार जी ने जो कहा वो गलत ही है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कल से ये विषय को लेकर बार बार प्रदर्शन किया, उनका वो अधिकार भी है, कोई महिला के ऊपर जब तक उनका ये गुस्सा जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी एक महिला के ऊपर कुछ बात की जाती है तो स्वाभाविक परिवार को तकलीफ होती है, मानने वाले को तकलीफ होती है। लेकिन अगर ये देखे हमने 2.5 साल के महाविकास आघाड़ी सरकार में, तो महाविकास आघाड़ी सरकार के समय भी ऐसे 50 उदाहरण है सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे भी गंदा गंदा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी गंदा गंदा लिखा गया, अधिकृत हैंडल से लिखा गया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव जी के अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं ने, जो हाई लेवल पर काम करते वो कार्यकर्ताओं ने महिला के बारे में गलत लिखा, उसके अनेक उदाहरण महाराष्ट्र में है, वो उदाहरण पर जाना नहीं है। लेकिन ये ऐसी बातें महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, किसी ने भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, PCN न्यूज़ नागपुर।